प्यारे न्यूज 18 की एक खास पेशकश है जिसमें तमाम अयोध्या वासी मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं, संत मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के दिल में मन में भगवान श्री राम बसते हैं और अयोध्या की धुन जो है वो भी यहाँ पर बज रही है लगातार। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान आज के इस खास मौके पर। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या जहाँ पर भगवान श्री राम पधार चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब की बार जिस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, जिस तरीके से भव्य रोशनी से पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई दिखाई दे रही है, रोशनी से नहाई हुई दिखाई दे रही है, वो बता रही है कि त्रेता युग की जो दिवाली थी वो दिवाली हम अयोध्या में इस बार देख रहे हैं। राजू दास जी क्या कहेंगे, दीपावली का पावन त्योहार आज और त्रेता युग की याद दिलाती हुई तस्वीरें हर किसी के जहन में। पहले तो मैं मंगल कामना करता हूँ पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त सभी सनातनियों को खूब खूब दीपोत्सव की, हनुमान जयंती की खूब खूब बधाई, खूब मंगल कामना। देखिए भूतो न भविष्यति, ये संभव नहीं था। लाखों राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद संतों ने अपने मठों को छोड़कर, आश्रमों को छोड़कर, गाँव में, गलियों में, कुचों में जाकर खूब अलख जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ और आज ये क्रांति, आज ये परिवर्तन आ पाया है। नहीं तो राजनीतिक दल के लोग तो बॉर्डर क्रॉस करने से भागते थे, घबराते थे, अरे कहीं अयोध्या का नाम ना जुड़ जाए, हम कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन परमात्मा ने इस प्रकार करवट बदला कि भूतो न भविष्यति। मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि दोनों ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और संतों के आशीर्वाद से, संतों के सानिध्य में, संतों के कृपा से भव्य मंदिर का निर्माण और उसमें 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष और बलिदान के बाद भव्य राम मंदिर में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पधारे। और इस बार के दीपोत्सव को क्या क्या पूछना है, अपने ही रिकॉर्ड को हर वर्ष 1.25 लाख से शुभारंभ किया था और आज 25-26 लाख दिए जलेंगे। क्या बात है, 25-26 लाख दिए इस अयोध्या की धरती पर जलेंगे। पति जी महाराज सबसे बड़ी बात यह है कि त्रेता युग में दिवाली देखी थी और जब जश्न मनाया गया था 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे, आज दीपोत्सव का पर्व कैसे आप देख रहे हैं, अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई सवरी हुई है, कुछ वही तस्वीरें हैं, उससे भी अच्छी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। व्हाट इज सिम्टम ऑफ कमिंग ऑफ रामा, क्या चिन्ह है अयोध्या में राम को आने का, व्हाट इज सिम्टम ऑफ कमिंग ऑफ रामा, अयोध्या में राम आए हैं कैसे पहचाना जा सकता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भैय सकल सो बाकी खानी, भैय सकल, सारा सकल जो है ये शोभा की खान दिखाई पड़ रहा है, इससे कंफर्म हो गया है कि अयोध्या में श्री राम लला आज विराजमान है। लेकिन उसको ध्यान देने की थोड़ी सी आवश्यकता है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ साधु संतों से कि जलाओ दिए, जलाओ दिए, पर रहे ध्यान ही तैना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कल से समाचार मिल रहा है, दिमाग सर डिस्टर्ब हो गया है कि बाईवान को बम ये गोबर, क्या बात है। अयोध्या के साधु संत राजदास, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जगशाला में जाके ओम शांति का पाठ कीजिए, लेकिन अगर विधर्म अयोध्या के ऊपर कोई आवाज उठा रहे हैं तो जगशाला से निकल करके बोलिए ओम शांति नहीं, अब हम साधु संतों के लिए ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति की आवश्यकता है, तब नहीं अयोध्या बन पाएगी। बात है अयोध्या में उतरे सब तारे हैं और भगवान श्री राम की जब बात होती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सत्य समर्पण की बात होती है, मर्यादा की बात होती है, उनके सबको साथ लेकर एक प्रबंधन की बात होती है। क्या कहेंगे आप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिस तरीके से विवरण होता है, उनके बारे में व्याख्या होती है, उनके बारे में प्रकाश डाला जाता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अयोध्या के साथ भगवान श्री राम का जो जुड़ाव है वो क्या कहेंगे जी। बिल्कुल, भगवान हमारे राम और रामायण और ये अयोध्या तीनों आश्रय देते हैं, ये मुक्ति और मोक्ष नहीं बांटते हैं, ये आश्रय देते हैं। और जब आप किसी के आश्रय होंगे तो वो कहते हैं कि जिम बालक राखे महतारी, तो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण भरण करती है, ठीक उसी तरह से अयोध्या और हमारे भगवान राम
जो उनके आश्रय में आ जाता है, जो उनके चरणाश्रित हो जाता है, जो उनके सन्निकट आ जाता है, उसका उसी तरह से देखभाल करते हैं जैसे एक माँ अपने नन्हे बालक की देखरेख करती है। तो अयोध्या में आने वाला, भगवान राम का नाम लेने वाला, इस दीपोत्सव का दर्शन करने मात्र से वही उसको लाभ मिलेगा, भगवान का वही चरण शरण उसको आश्रित मिलेगा, जो जाकर के कथा श्रवण करने के बाद, अयोध्या में स्नान करने के बाद, भगवान राम का पूजन अर्चन करने के बाद प्राप्त होता है, वो इसका दर्शन मात्र से आपको लाभ मिलेगा। क्या बात है, उत्सव की बात हो रही है और उत्सव बिना भजन के पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए उत्सव के इस कार्यक्रम को और दीपोत्सव के रंगों के साथ आगे बढ़ाते हैं एक भजन की शुरुआत यहाँ पर। भी हो चुकी है सर, कुछ साल पहले न तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था और न यहाँ पर इतना भव्य तरीके से दीपोत्सव होता था। कई सालों में ये तस्वीर बदल गई, क्या सपने जैसा लगता है इतनी जल्दी ये सब बदला हुआ हम देख पा रहे हैं? देखिए, इसको तो भगवान के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन ज्यों-ज्यों अयोध्या आगे बढ़ रही उस तरह आप भारत की तस्वीर भी तो देखिए। आज भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, अभी कल स्पेन के और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ने भी राम दीपोत्सव को लेकर के बधाई दी और प्रशंसा जाहिर की। तो हमारी अयोध्या, और जिस दिन, अभी तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है, जिस दिन मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ, उस पर विजय पताका फहराई गई, उस दिन भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज अयोध्या ही नहीं, हमारा देश बदल रहा है और ये बदल रहा है सिर्फ अयोध्या की देन है। जब अयोध्या की उपेक्षा हुई
तो देश की उपेक्षा हुई, भारत की पहचान ही श्री राम से है। और आज अयोध्या चमक रही है तो हमारा देश भी तो चमक रहा है। आज दुनिया हमसे मिलना चाहती है, हमारे सम्मुख नतमस्तक है। ये अयोध्या की देन है। हम जिस तरह हमारा जो योगदान है उसी तरह हमारा देश भी आगे बढ़ता जा रहा है। सर, आज जिस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पर्व मनाया जा रहा है, दिवाली का त्योहार है, आपको लगता है कि जिस तरीके से एक दिया जलाने से बहुत सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है, एक दिया जलाने से अंधकार से उजाले की ओर आया जा सकता है? दिया जलाने से सब देश विदेश में तो प्रकाश में है ही, और जीवन भी प्रकाश ला देता है। और अयोध्या अब की वो पहले की अयोध्या भी याद आ रही है कि इसी अयोध्या में कार सेवकों पे और साधु संतों पे गोली चलवाया था समाजवादी पार्टी। साधु संतों को आतंकवादी बोलता है, ऐसे मानसिकता के लोग जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, वो जो राम का तो ये देश विदेश नहीं पूरे तीनों लोक के देवता भी उसके साथ होते हैं जो राम के होते हैं। आज अयोध्या आप जो कवरेज करने के लिए आए हैं, ये भी आज भगवान रामलला आपको बुलाए हैं। और इसी अयोध्या में कोई पत्रकार नहीं आते थे जो ये दिवाली और उत्सव जो देख रहे हैं, और आप भी यहाँ भगवान के चरणों में सरयू के तट पे जो सरयू जी की महत्व है कि दरस परस मंजन अरूपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना, आप बड़े भाग्यशाली हैं। और आपके ऊपर और सभी देशवासियों के ऊपर रामलला की विशेष कृपा है, और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में ना भूतो ना भविष्यति, और योगी जैसा अगर मुख्यमंत्री हर प्रांत में हो जाए तो वास्तव में रामराज आ जाएगा, रामराज आ जाएगा। राजू दास जी, आपने तो अयोध्या में बड़े रंग देखे हैं, कई कई बार आप अयोध्या की स्थिति को देख के बड़ी पीड़ा भी रही होगी, अब कैसा आप अयोध्या को महसूस करते हैं, कितनी ये अयोध्या नगरी बदल गई है, और आज जब दीपोत्सव का नजारा है तो अपनी आंखों से आप कैसा देख रहे हैं? पहले तो खूब खूब बधाई, पुनः खूब खूब मंगल कामना। अयोध्या सदैव से शुरू से ही जिस प्रकार से लोगों ने अयोध्या को छला, जिस प्रकार से अयोध्या वासियों के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से अयोध्या में साधु संतों के साथ प्रताड़ना हुई, जिस प्रकार से मठ मंदिर को दरकिनार किया गया, खूब खूब राजनीतिक दलों ने अयोध्या का शोषण किया, लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ सनातनियों का, राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का, कि जो जग गए और जगे, थोड़ा सा जगे, जैसे थोड़ा सा जगे कि सनातन सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व के बिना सरकार चलना कतई संभव नहीं है। जो आज सदन में हिंदू को हिंसक तक कह देने का महापाप करते थे, जो अयोध्या आने पर मंदिर दर्शन करने के पहले यह कहते हूँ कि मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने जाया करते थे, जब वो अयोध्या आते हैं तो भगवा कंठे मारा साधु संतों के चरणों में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आरती करने का प्रयास, और जैसे पत्रकार पूछता है वैसे बोलते, अरे ये तो संघ विचार परिवार के लोग जबरदस्ती है अयोध्या में बेफजूल में दिए जला रहे हैं। विपूज्य स्वामी जी से पूछ रहे थे आप कि अयोध्या में जब दिए जलते हैं तो दिए जलने से जिस प्रकार से किस प्रकार से दुनिया का कल्याण होता है, कहने का अभिप्राय यह है कि अयोध्या में जब दिया जलते हैं तो कुछ सेकुलर टाइप के लोगों के दिल भी जलते हैं, उनकी मानसिकता भी अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है, रस्सी जल जाने के बाद ऐठन नहीं गई है। अयोध्या जब से राम मंदिर का निर्माण के बाद लगातार इकोनॉमी आकाश छू रहा है। जो लोग कहते थे कि मंदिर से क्या मतलब, वो एक शब्द नहीं कहते हैं, कभी पंजाब में दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च बन रहा है, एक शब्द किसी राजनेता का नेता का सेकुलर लोगों का शब्द नहीं आया कि इतनी बड़ी चर्च बनाने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल बन जाए देश और दुनिया। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। सर बादी जी महाराज, राम रूप की चर्चा जब होती है तो दीपोत्सव के मौके पर ये राम रूप की चर्चा आप कैसे कहेंगे, राम रूप क्या है? राम जी का स्वरूप सबके हृदय में है, परम प्रकाशक है, परम प्रकाश रूप दिन राती और नाच ही दिया घृत बाती। जिसके हृदय में राम जी का प्रवेश हो गया है उसका उजाला ही उजाला रहेगा। लेकिन अभी मेरे आदि भाई बोल रहे थे, मेरा परम सखा है, आज का 22 साल से
चप्पल नहीं पहन रहा है। आज 30 साल से मैं करपात्री पद्म हूँ, 18 करोड़ खाता हूँ, ऐसे कपड़ा में रहता हूँ, कभी कभी भाई साल देता है तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। आज ही जो मना रहे आप, दिल से कहा जाए, इन उन तमाम कार सेवकों के बलिदान के फल का ही उत्सव है। आप जहाँ खड़े हैं ना, सरजू जी का घाट, ये देखो यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां, अयोध्या हनुमानगढ़ी का घाट, ये देखो वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हम लोगों ने अर्थी उठाया है और कंधे पे, अभी हमारे पास कुछ ऐसे सामान हैं, लोगों कपड़े हैं जो खूनों से लथपथ हैं, कभी रो लेता हूँ बैठ करके, गल जाता हूँ। जब स्थिति ये जब बनती है तो लगता है कि आज अयोध्या में राम, आज वहाँ आसमान में राम आज स्नाते नहीं खुश होंगे, कितनी बड़ी दिवाली मनाई जा रही है, राम अयोध्या स्नाते खुश होंगे, राम उन बच्चों के लिए रो रहे होंगे जिन्होंने बलिदान दिया है। मानस वर्णन आया है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भाई सकल शोभा की रानी, आज राम आकाश में अयोध्या वासियों के लिए रो रहे होंगे। कैसे कि जब जब राम अवध सुधि कर ही, जब जब राम अवध सुधि कर ही, तब तब बारी बिलोचन बही। आप सब धनबाद के पात्र हैं, आप जितने लोग हैं हम सब त्रेता युग में राम के साथ रहे होंगे, ये निश्चित है, कन्फर्म है, अगर नहीं होते तो आज यहाँ नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है मैडम, सरयू का किनारा है और सरयू जिस तरीके से शारदा नदी की सहायक नदी है, क्या आप कहेंगी इस किनारे पर और यहाँ का जो वातावरण, जो अध्यात्म का पूरी तरह से माहौल है। बात करते हैं, अवध सजा हुआ है और सरयू के किनारे खड़े हैं और अभी हमारे महाराज जी और सभी लोग बता रहे हैं कि राम का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी और हमारी युवा पीढ़ी साधु संत सभी के साथ से ही देश का विकास हुआ है और राम जी अयोध्या आए हैं। तो आइए चलते हैं, दो पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं। बाजे अवध बधाई बाजे, बाजे अवध बधाई बाजे, आप राम गई घर आए हैं, भाग्य जाग गए अवधपुरी के, चारों तरफ खुशियां छाई। अब दो बधाई योगी मोदी को, अब दो बधाई योगी मोदी को, अब दो बधाई सभी संतों को, धर्म सनातन ले आए, हिंदुत्व की हम बात करें तो राम राज्य को अपनाए। और बात सरयू की करते हैं तो सरयू के किनारे पे है तो दो पंक्तियां सरयू जी के लिए जरूर गुनगुनाना चाहूंगे। भज लो राम जी का नाम सवेरे उठी, भज लो राम जी का नाम सवेरे उठी, भज लो राम जी का नाम सवेरे उठी, राम दुआरे सरयू बही है, राम दुआरे सरयू बही है, सीता करे इसे नान सवेरे उठी, सीता करे इसे नान सवेरे उठी। और दिव्य दिवाली की बात करते हैं, दिवाली दिलवालों की है। दिव्य दिवाली भव्य दिवाली, भव्य दिवाली दिव्य दिवाली, आज वैभवशाली दिवाली दिलवालों की। दिवाली दिलवालों की और भजन की बात हो रही है, तो भजन की बात और दिवाली दिलवालों की है। और इस अयोध्या में आने के बाद मन पूरी तरह से ऐसा लगता है कि भगवान अयोध्या में बसा लो, बस यही एक आसरा बना ले और यही बसने का मन चाहता है। तो भजन से शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम। अरे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे सरयू मिठो पानी लागे। अरे धन्य कौशला धन्य कह कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कह कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया, धन्य भूप मीठी तोतली रसीली, प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू को पानी लागे, सीता राम की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो
कीर्तन, करे कीर्तन संत मगन मन, मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन जय सिया राम दंडवत भैया, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले सीता राम नाम धुन, प्यारी प्यारी लागे मस्तानी लागे मोहे श्रीराम। इतिहास के पन्नों में तो लिखी जा रही है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, और आगे आने वाले सालों में और कितनी और भव्य और दिव्य होगी। नहीं, मैं अपेक्षा करता हूँ सनातनियों से, हिंदू जनमानस से कि जगे रहो, अगर जगो नहीं, जगोगे नहीं तो फिर बांग्लादेश जैसे भगा दिए जाओगे। अगर आप जगे रहेंगे तो ऐसे दीप उत्सव, ऐसे सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व का कार्य चलता रहेगा। नहीं तो लोग कहेंगे अरे एक दिया जला लो, क्या मतलब है दीपावली मनाने से, ठुमके लगाने में कोई परहेज नहीं है, अरबों रुपया खरबों रुपया डिस्को करने में खर्चा कर देंगे, लेकिन अगर 1,00,000 रुपये दिए जलाकर अगर कार्य किए जाए तो दिल जलने राजनेताओं को लगता है, सेकुलर टाइप के कीड़ों को लगता है। जैसे अयोध्या में दिया जलना प्रारंभ होता है तो सेकुलर धीरे धीरे वो बिलबिला के बिल से निकलने लगते हैं और उस रोशनी में जलकर स्वाहा होने लगता। क्या बात कही, क्या बात कही सर। घर पे बहुत सारे लोग दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे अयोध्या की पावन धरती से? हम अयोध्या वासी दुनिया के कोने कोने में रह रहे सभी सनातनों की सुख समृद्धि आरोग्यता की कामना करते हैं। आज अयोध्या संपूर्ण विश्व की कामना के साथ साथ आप सभी के मंगल की प्रार्थना करती है। अपने घर से एक दिया जलाएं और अयोध्या में हो रहे दीपावली का अपने स्थान से ही दर्शन करें। तो ये यहाँ पर अयोध्या की तस्वीर की किस तरीके से पूरी तरह से अयोध्या भगवान श्री राम के रंग में यहाँ पर रंगा हुआ है। हर कोई यही कह रहा है कि इस बार जो दिवाली है, दियों को जगमग करके रोशनी से नहाई हुई अयोध्या पूरी तरह से दिख रही है। तो न्यूज 18 भी आप सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और यहाँ से इस कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है एक भजन के साथ, कि सुनिए आप, आनंद लीजिए। और आखिर रस के शहर अयोध्या में, मिठास के शहर अयोध्या में, अलग अलग रंगों का आनंद आप न्यूज 18 के साथ लेते रहिए। कैमरामैन नरेश के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अरे दशरथ की अंग नैया बधैया भर बाजे हो, दशरथ की अंग नैया बधैया भर बाजे हो, दशरथ की अंग नैया बधैया भर बाजे हो, अरे राम जनम जो रघुरैया सनम राम सोहै, राम जनम अरे रामा धीरे धीरे बाहे पूरवैया की अवध नगरिया हो, रामा धीरे धीरे बाहे पूरवैया। और रामायण में लिखा गया है कि बाहे सुहावन त्रिविद समीरा भाई सरजू अति निर्मल नीरा, सरजू जी का जल जो है वो बिल्कुल निर्मल हो गया है राम जी के आने से। चैत्र के सुंदर महीनावा सुमंगल दिनवा, सुमंगल दिनवा हो, अरे रामा मथवा पे, अरे रामा मथवा पे चमके पसीनावा की जैसे नगीनावा हो, रामा मथवा पे चमके पसीनावा। और माँ कौशल्या जी जो है अपने आंगन में भगवान श्री राम लल्ला को खिला रही हैं, दुलार रही हैं, प्यार कर रही हैं।
मचिया पे बैठी हैं कौशल्या रानी, ललना दुलार है अरे बबुआ खिलावे हो। मचिया पे बैठी हैं कौशल्या रानी, ललना खिलावे हो। अरे बबुआ तू ही मोरा, अरे ललना तू ही मोरा, प्राण के अधर वाती तन मन वारे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।